नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर स्वाट टीम व जाखलोन पुलिस को मिली बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान कई मामलों में वांछित एक छात्र अपराधी अमरपाल सिंह पुत्र संग्राम सिंह मध्य प्रदेश निवासी पारासी थाना मुंगावली जिला अशोकनगर को एक तमंचा 3 कारतूस सहित उस समय दबोच लिया जब ललितपुर के थाना जाखलोन अंतर्गत देवगढ़ नदी के पास किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य खड़ा था। जैसे ही पुलिस को पास आता देख कर घबरा गया और तमंचे से पुलिस कर्मियों पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने चारों ओर से घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया और आज ललितपुर के पुलिस लाइन स्थित सभागार में आज पुलिस अधीक्षक कैप्टन मयम बेग ने इसका खुलासा कर दिया है। साथ ही शातिर अपराधी को जेल भेज दिया गया है। आज एक शातिर अपराधी को पकड़ने में जाखलोन SHO DK सिंह चौहान और स्वाट प्रभारी अनवार अहमद के द्वारा एक सफलता हासिल की गई है। ये अपराधी 25,000 का इनामिया है। इसका नाम है अमरपाल पुत्र संग्राम सिंह, जो परासारी थाना मुंगावली जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। क्योंकि अशोकनगर हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, ये अपराधी उधर से इधर आके कई बार तमाम अपराध करता रहा है। दर्ज कुछ मुकदमे हैं, कुछ जो है अंदर है बिना दर्ज किए हुए हैं। 25,000 का इनाम था, हमारे से वांछित चल रहा था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उसको जेल भेज रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। इसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर और इसके साथ 3 कारतूस और 1 खोखा ये बरामद हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो था जहाँ से वांछित होता है वहीं से इनाम होता है। तो 25,000 का इनाम हमारे यहाँ से बहुत दिन से ये फरार चल रहा था। 22/10 पे बेतवा ये बतवा नदी के किनारे थे, वहाँ से पकड़ा गया है। वांछित 5-6 महीने से चल रहा था ये, और शातिर अपराधी है, बधाई करवाएं। थैंक यू।